to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and welcome to day 3. आज हमारा day 3 है and video number 1 में मैं आपके साथ revenue from operations और other incomes के बारे में discuss करूंगी. ये मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या items आती हैं और other incomes में क्या क्या हम include करते हैं. मेरे last video में मैंने आपको profit and loss account का format बताया था, बहुत थोड़ा सा gist दिया था, review दिया था. अब मैं आपको इस video में detail में बताऊंगी एक एक करके, एक एक हेडिंग्स हम लेंगे. और सबसे पहले है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू क्या है? एक हमारे लिए इनकम है, ठीक है. तो जो भी इनकम कंपनी को मिल रही है थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है जो कंपनी कैरी करती है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. एक कंपनी होती है फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी, और एक दूसरी होती है नॉन फाइनेंस कंपनी. नॉन फाइनेंस कंपनी को हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कहते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज भी कहते हैं. बट फाइनेंस कंपनीज वो होती है बेसिकली वो कंपनीज फाइनेंस जो पैसा दे रही है इंडिविजुअल्स को, लोन दे रही है. नाम में ही है फाइनेंस, मतलब पैसा प्रोवाइड कर रही है. ये कोई बैंक्स नहीं होते हैं. बेसिकली दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनीज को लोन्स प्रोवाइड करती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड मे बी डिविडेंड भी अर्न करती है बहुत सारी चीजों में. और नॉन फाइनेंशियल होती है नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं. अब इन दोनों के केस में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. कैसे? सबसे पहली चीज मैंने बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस वो इनकम, वो रेवेन्यू जो कंपनी को मिलता है थ्रू इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? जो वो एक्टिविटीज जो कंपनीज कैरी करती है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. अब जो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी किस तरीके से पैसा कमाएगी? जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, राइट? तो वो इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सारी चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गई फाइनेंस कंपनी के लिए, राइट? और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए हो गई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी से सेल कर रहा है कोई, ठीक है जी, माइनस सेल्स रिटर्न, जो भी सेल हो रही है, सेल ऑफ स्क्रैप हो रहा है, तो ये सब चीजें हो गई नॉन फाइनेंस कंपनीज के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्यों भाई? बेसिकली जो प्रॉफिट कमा रही है वो अपनी सेल से ही कमा रही है, रॉ मटेरियल खरीद के अपनी चीजें बेच रही है मैन्युफैक्चर करके, तो वो उससे पैसा कमा रही है. और फाइनेंस कंपनी किस तरीके से पैसा कमा रही है? ताकि जो लोन प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को या कंपनीज को, उससे उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. तो वो सब चीजें इसके लिए हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्लियर है? बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. मैंने अब आपको बायफिकेट करके फाइनेंस कंपनीज और नॉन फाइनेंस कंपनीज कौन कौन सी होती है उसके थ्रू मैंने आपको बताया कि क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा. अब ये है अदर इनकम्स. अब इनमें भी दो केसेस मैं बताऊंगी आपको. अब मैंने जैसे कि बताया फाइनेंस कंपनी का पहले एग्जांपल दिया, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट इंटरेस्ट, व्हेन अ फाइनेंस कंपनी इज रिसीविंग इंटरेस्ट, इट मींस इट इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ दैट फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनी. और इस केस में अदर इनकम्स में क्या आएगा? लेट्स से कोई सेल हो रही है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो फाइनेंस कंपनी के लिए अदर इनकम हो गई ऑटोमेटिकली. अब नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अदर इनकम्स में इन्वॉल्व होएगा. इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है किसी चीज पे, या अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या ट्रेडिंग कंपनी को, तो वो सब आ जाती है अदर इनकम्स में. तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बस ये याद रखिए फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज कौन होती हैं? जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं फाइनेंस. तो उस केस में कंपनीज जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है उससे वो इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट कहाँ से कमा रही है? बेसिकली इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, डिविडेंड से पैसा कमा रही है. तो वो सारी कंपनीज के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा ये सब. और बाकी सारी चीजें हो जाएगी, सेल ऑफ स्क्रैप है, स्क्रैप सेल हो रही है, वो भी इसके लिए अदर कंपनीज. बट सेल ऑफ स्क्रैप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दिया हुआ है,
और या ट्रेडिंग कंपनी में, इट मींस नॉन फाइनेंस कंपनी है, तो वो हो जाएगी उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. वेरी इजी. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम्स आपको समझ आ गया, कोई भी कंपनीज का केस आ जाए, कोई भी हेडिंग आ जाए, अब आप इजिली उसमें इंक्लूड कर सकते हो. मैं आगे जाके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डोंट वरी. अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक डिटेल बताया है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम्स का. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगी, प्रॉफिट एंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel, Commerce Minded.